इस बार एलिमिनेशन एक नहीं दो होंगे। क्या बिग बॉस जिस तरीके से चीजों की प्लानिंग कर रहे थे उसमें कामयाब हो गए? इस बात को लेकर लगातार चीजें सामने आ रही थी कि बिग बॉस जो है एक नहीं दो एलिमिनेशन करेंगे इस हफ्ते, ताकि टॉप फाइव जो है हमें अगले हफ्ते के लिए मिल ही जाए। अब ये खबर आ रही है कि नॉमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट में से ही दो बाहर जाएंगे, यानी कि शिव, स्टैन और सुम्बुल। ये तीनों नॉमिनेटेड हैं। जो टास्क हुआ है उसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई कि कैसे निमृत ये बोलती हुई भी नजर आई स्टैन और शिव को कि यार इसने बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर लिया है और अब तुम दोनों को ही चीजें संभालनी होंगी। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि घर के अंदर एक एलिमिनेशन तो होना ही था वीकेंड के बार में, लेकिन इस बार एक नहीं दो की तैयारी मेकर्स ने की है और एक साथ दो लोगों को बाहर निकालेंगे। जो खबर आ रही है सोशल मीडिया पर वो यही है कि इस बार जो दो नॉमिनेशन है और जो सॉरी तीन नॉमिनेशन है और उसमें से जो दो एलिमिनेट होंगे, वो स्टैन को बचाने के लिए शिव और सुम्बुल है। यानी कि स्टैन को टॉप टू में मेकर्स ले जाना चाहते हैं और इसीलिए इस बात की प्लानिंग की है कि शिव और सुम्बुल को नॉमिनेट एलिमिनेट करेंगे और बाकी फिर हमें शो के टॉप फाइव मिलेंगे, जिसमें प्रियंका डिजर्विंग, अर्चना डिजर्विंग, निमृत जिसको खैरात में टिकट टू फिनाले मिला, शालीन मतलब उसको भी टॉप फाइव में ले जाने की तैयारी है और फिर बचे स्टैन। मैं स्टैन को टॉप फाइव में जरूर देखती हूं, लेकिन शिव और सुम्बुल का पत्ता काटकर मुझे ये लगता है कि आज ये जो पूरा का पूरा टास्क हमें दिखाया जाएगा वो बहुत ही कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे वाकई में सुम्बुल जो है बाहर जाए। लेकिन अब खबर आ रही है कि एक नहीं डबल एविक्शन जो है होने वाला है, तो अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में एक घर वालों के हाथों से और एक वोट के आधार पर होता है, किस तरीके से होता है। पर खबर यही आ रही है कि मेकर्स एक नहीं दो एलिमिनेशन करने वाले हैं।